वक्त हम रानी जी के घर पे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे अवार्ड मिले हैं उन्हें, आप देख सकते हैं मनोज जी है वहाँ पे, कई सारे उन्हें अवार्ड मिले, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उन्हें। तो रानी जी, आप सारे अवार्ड आपने जीत ले भोजपुरी के? जी बिल्कुल, सारे ले लिए हैं, जितने आप देख रहे हैं सब बेस्ट एक्ट्रेस है, वो बेस्ट एक्ट्रेस है, ये बेस्ट एक्ट्रेस है, ये भी बेस्ट एक्ट्रेस है, तो आपने सभी अवार्ड जीते, बेस्ट एक्ट्रेस है। और एक सबसे अच्छा जो मतलब जो मेरे दिल के करीब है, ये जो लास्ट वाला है ना, ये वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड है जो आप लोग देखेंगे पीछे। तो यू नो अवार्ड्स बहुत सारे लिए हैं, रिगार्ड्स बहुत सारे लिए हैं, तो ये सब एक्चुअली मोटिवेशन है एक तरफ से। तो कोई भी आते हैं पहले आपके अवार्ड्स को ही देखते हैं? ऑफ कोर्स। कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है आपके अवार्ड्स को देख के? हुआ भी होगा तो किसी ने बताया नहीं। बट यू नो मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमेशा से बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। किसी ने भी, सबको बहुत खुशी होती है। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे घर के लिए मिलता है कि वेरी ब्यूटीफुल हाउस, एंड फिर उसके बाद इस पर नज़र लोगों की जाती है, तो हमेशा अच्छा ही मिलता है कॉम्प्लीमेंट। फिल्म में आपका जो किरदार है काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो हमें खबर मिली अभी, तो इस तरह की फिल्म करना, आगे की रणनीति क्या है? अभी आपने एक्शन कर लिया है, वेमेंस ओरिएंटेड कर लिया, कभी हम आपको बायोपिक में भी देखेंगे? देखो भोजपुरी में बायोपिक यू नो बहुत डिफ़िकल्ट ही है ये, जब आप कहीं बोलेंगे बायोपिक तो लोग बोलेंगे ये बायोपिक ऐसा वाला होगा, तो यू नो कह नहीं सकते कि आप इन फ्यूचर आप भोजपुरी फिल्म में क्या चेंज देखेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं जिस तरह से फिल्मों को चुनती हूँ, मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं फिल्म में क्या कर रही हूँ, तो बस ऐसे चुनते चुनते ये फीमेल ओरिएंटेड पर तब्दील हो गई चीज़ें, तो आगे भी जब मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो मुझे लगेगा कि यस ये करना चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि आप भोजपुरी की मोस्ट सक्सेसफुल वीमेन जानी जाती, एक्ट्रेस जानी जाती, तो कभी हम देख सकते हैं आपको कोई प्रोडक्शन हाउस चालू करेंगे या खुद अपनी फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल मैं शुरू करूँगी, और मैंने अभी कुछ चैनल्स शुरू किए हैं मेरे यूट्यूब पर, तो मैं उसमें भी कदम रखने ही वाली हूँ। तो आई होप कि मैं कुछ यू नो मेरी थिंकिंग है कि जो सब कर रहे हैं वैसा कुछ ना करके कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो ऑब्जॉर्ब हो, एक स्टेप लगे कि हाँ एक स्टेप कुछ आगे किया इन लोगों ने जाके, तो मैं ऐसा कुछ करूँगी। बहुत गर्मी चल रही है आजकल, 40 डिग्री का पारा है, तो आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप खुद को प्रिजर्व कर रही है आजकल? सबसे पहले मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएँ, हल्की फुल्की चीज़ें खाएँ, ककड़ी ज़्यादा खाएं, और जितना हो सके आप दिन में 5-6 लीटर पानी पिएं, वो अभी के लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर हम बात करें, कभी हम आपको देख सकते बॉलीवुड में एनी टाइम इन फ्यूचर, और आप किसको इंस्पायर करते हैं बॉलीवुड में? आई लव माधुरी दीक्षित, मेरी एक ही फेवरेट हीरोइन रही। अगर आप मुझे किसी हीरो का नाम पूछेंगे बॉलीवुड में, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किसका नाम लूँ, क्योंकि हीरो के लिए कोई नाम नहीं है, ओनली वन माधुरी दीक्षित। और अगर मैं कभी बॉलीवुड में काम करूँगी तो मैं यू नो ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन आई वॉन्ट कि जितना नाम यहाँ कमाया है वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो जो इस नाम को बैलेंस कर पाए, तो ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच। आखिर में क्या कहना चाहिए आपके फैंस के लिए, फिल्म देखने के लिए क्या कहना चाहिए? आप सभी को बस तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, मेरी फिल्मों को, मेरी आने वाली फिल्मों को ऐसे ही प्यार दीजिए। इलाहाबाद से इस्लामाबाद एक बार अपने परिवार के साथ जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू।